तो अभी हम ना बात कर रहे हैं कि सवाल है कि ये जो पैन बना है, अभी जो हमने कहा था ट्रिपल फ्यूजन हुआ था ना, तो ट्रिपल फ्यूजन से तीन न्यूक्लियस से मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना, इस बड़े न्यूक्लियस का नाम क्या है? इस बड़े न्यूक्लियस का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये तीन न्यूक्लियस से मिलके जो बड़ा न्यूक्लियस बना है ये उसका नाम है। आके ना प्लॉइडी की बात करें, प्लॉइडी लेवल क्या होता है? 3n। तो चलो मैं आपको बता दूं ये बना क्यों था। एक्चुअली में पैन का काम होता है आगे चल के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। अब सवाल है एंडोस्पर्म क्या काम करता है? भाई एंडोस्पर्म किसी भी सीड का एक रिजर्व फूड होता है। देखो ऐसा होता है कि सीड के अंदर जो प्लांट का बच्चा होता है, आई मीन जो एम्ब्रियो होता है, उसको ग्रो करना होता है ना, और ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो सीड पहले ही वो खाना बना के अपने अंदर रख लेता है। उस खाने का नाम क्या है? एंडोस्पर्म। यानी कि ये तो हमें पता लग गया कि ट्रिपल फ्यूजन से जो बनेगा प्रोडक्ट हमारा पैन, वो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। लेकिन हमें जो एक चीज अभी ये पढ़नी है कि एंडोस्पर्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बट मैं उन टाइप्स को पढ़ाने से पहले आपको जरा पढ़ा दूं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, शायद तब मैं आपको कोई चीज समझा पाऊं ठीक से। अभी हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन यहाँ पे वो वाला नहीं है भाई, माइटोसिस मियोसिस वाला ना, यहाँ पे है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और न्यूक्लियोप्लाज्मिक डिवीजन किस तरह से साथ में रन कर रहे हैं उसके बेस पे बनाया गया। जैसे कि एक होता है सेल्युलर डिवीजन, क्या होता है? अब इस डिवीजन में देखिएगा क्या होता है। लेट सपोज ये रहा एक सेल का न्यूक्लियस, आगे चल के इसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस और दो न्यूक्लियस बन गया ना, इसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए क्या कहलाता है वो? कैरियोकाइनेसिस। अब जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो सेल का साइटोप्लाज्म कहता है भाई चलो हम भी डिवाइड हो जाते हैं। अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो तो हम भी हो जाते हैं। और जब यहां पर साइटोकाइनेसिस होगी तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस आपको कितने सेल मिलेंगे? दो सेल। याद है ना, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन सेपरेशन। साइटोप्लाज्म के अलग होने को कहेंगे साइटोकाइनेसिस, और न्यूक्लियस, कैरियो मीन न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अलग होने को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब जस्ट इमेजिन करिए जब साइटोप्लाज्म यहां से अलग होगा तो उसके बाद क्या होगा? दो सेल बन जाएंगे प्रॉपर। हाँ के ना, उसके बाद फिर से इनमें क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, जिसमें क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। इनमें भी क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद इनमें क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। यानी कि जब जब कैरियोकाइनेसिस होगी तब तब साइटोकाइनेसिस भी तो होगी ना। हाँ के ना भाई, जब जब यहां पर कैरियोकाइनेसिस होगी तब तक साइटो भी तो फॉलो हो रही है। यानी कि इस तरह के डिवीजन में प्रॉपर सेल बनते बनते डिवीजन चलती है। हाँ के ना, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ सेल, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ सेल, यानी प्रॉपर सेल बनाते बनाते डिवीजन चलती रहती है। तो इसमें अगर मान के चलिए 1000 बार कैरियोकाइनेसिस हुई है तो 1000 बार साइटोकाइनेसिस भी हुई होगी। मैं इस तरह के डिवीजन में बोलूंगा व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस को का पीछा कौन करे? साइटोकाइनेसिस। इस तरह के डिवीजन को क्या बोलते हैं? सेलुलर डिवीजन। एक डिवीजन और होती है, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें सुनिए क्या हो गया। ये रहा एक सेल, ये रहा इसका एक न्यूक्लियस। आगे चल के क्या होता है? सेल का न्यूक्लियस टूट जाता है, आई मीन डिवाइड जाता है दो पार्ट में, वन एंड टू। तब सेल का साइटोप्लाज्म कहता है न्यूक्लियस भाई, कह रहा हाँ क्या हुआ? तो डिवाइड और कर ले, हम नहीं कर रहे। कह रहा क्यों, क्या हुआ? कर लो ना, आप डिवाइड कर लो ना। कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, तू कर ले डिवाइड। यानी यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, बस साइटो नकार गया। साइटो कह रहा मैं नहीं हो रहा, तो न्यूक्लियस कह रहा पक्का मैं हो जाऊँ ना? कह रहा हाँ हो जाओ। तब यहाँ पर फिर से सेल ने क्या किया? दो न्यूक्लियस से कितने कर लिए? चार न्यूक्लियस कर लिए। अब वो कह रहा साइटोप्लाज्म से, उस्ताद अब हो जाओ डिवाइड। कह रहा नहीं मैं नहीं हो रहा, तू हो जा डिवीजन। कह रहा पक्का? कह रहा हाँ। इसका मतलब न्यूक्लियस लगातार डिवाइड होता चला जा रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा। यानी इस तरह की डिवीजन में न्यूक्लियस को पूरा आजाद कर दिया,
कि तेरे को जितनी बार डिवाइड करना है कर, तेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना तुझे किसी का इंतजार करना और ना किसी की, ना कोई और तेरा इंतजार करेगा। तेरे को तेरे मन में जितनी इच्छा है डिवाइड कर ले जा, यानी फ्री न्यूक्लियर, न्यूक्लियस पूरा फ्री हो गया, उसको जितनी बार डिवाइड करना कर ले, कोई रोकने वाला तेरे को नहीं है। और ऐसे करते करते मान के चलिए आगे क्या होगा, एक सेल आएगा जिसमें बहुत सारे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस बन जाएंगे, हाँ के ना। फिर आगे चल के जब सेल पूछता, हाँ भाई तेरा हो गया, कह रहा हाँ हो गया, और करना डिवाइड, नहीं और नहीं करना, देख ले करना हो तो, कह रहे नहीं, कह रहा आप शांत बैठ जाओ। अब सबके ऊपर क्या होगा, सबको साइटोप्लाज्म बांट दिया जाएगा, लेकिन ये सबसे लास्ट में होगा। कब होगा, सबसे लास्ट में। तो यानी कि मान लीजिए कि इस तरह के डिवीजन में क्या होता है, लेट सपोज अगर 1000 बार कैरियोकाइनेसिस हुई है तो 1 बार क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। इस तरह के प्रोडक्ट को पहचानना बड़ा आसान है, पर न्यूक्लियस भरा पड़ा होगा, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म वाली स्टेज बहुत बाद में आएगी ना, बहुत बाद में आएगी। शुरू में क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस भरा हुआ, यहाँ तो प्रॉपर सेल ही सेल मिलता जाएगा। जब न्यूक्लियस भरा मिले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, सेल बना मिले प्रॉपर तो सेलुलर बनेगा, ऐसे भी सेल, लेकिन कब, बिल्कुल एंड में, जब लगता है कि अब तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उस टाइम में मिलेगा। अब देखिए दो तरह की डिवीजन होती है। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमने पढ़ा था एम्ब्रेस एग, यहाँ पे हमारे पास थे सिनर्जिड था, एक्सेल था, 3 एंटीपोडल सेल था। मैंने आपको कहा था इस एम्ब्रेस एग का सबसे बड़ा सेल कौन सा था, सेंटर सेल, याद है, याद है सेंटर सेल। ये जो दो पोलर न्यूक्लियस थे वो इसी इसी सेल का तो था ना न्यूक्लियस। अगर इस सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस पैन बन गया तो सेंट्रल सेल का नाम चेंज नहीं करेंगे क्या अब हम? तो सेंट्रल सेल का नाम अब हम चेंज करके लिखेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो सेंटर में जो इसका न्यूक्लियस बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, पैन, हाँ या ना, अगर याद हो तुम्हें। मैंने हालांकि आपको सेंट्रल सेल सिंपल दिखाया था, कैसे मैंने ऐसे एक लाइन, एक सर्कल ड्रॉ किया था ना, बट एक्चुअली में वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें ड्रॉ करना पड़ता है समझाने के लिए। नॉर्मली आप ये मान के चलिए जब ऊपर के 3 सेल और नीचे के 3 सेल को निकाल दोगे तो एम्ब्रियो सैक में क्या बचेगा, सिर्फ दो पोलर न्यूक्लियाई, तो वो जो पूरा सेल बचा है वो अपने आप में क्या हो गया, एक सेंट्रल सेल ही तो हुआ। तो जब उसका सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस पैन में कन्वर्ट हो गया तो सेंट्रल सेल का नाम चेंज नहीं होगा क्या, इसका नाम क्या हो गया, पैक हो गया। तो मैं अब आपको कह रहा हूँ कि जो पैन है ये पैन क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। अगर मान लीजिए पैन से एंडोस्पर्म बनते वक्त सेलुलर डिवीजन का इस्तेमाल हुआ है, किसका हुआ है, तो भैया एंडोस्पर्म का नाम भी क्या होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन अगर पैन से एंडोस्पर्म बनते वक्त फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का इस्तेमाल हुआ है तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा इसका, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जाम में क्वेश्चन आए, बताइए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, जी ऐसा एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियर डिवीजन से बना हो, बोले जी एक्सप्लेन करिए। अब आप ये तो लेके नहीं आ सकते कि पैन जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना है तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले यहां समझा दिया। अगर आपको 3 नंबर में बोलने तो बोलना, जब पैन के अंदर कैरियोकाइनेसिस होती चले और साइटोकाइनेसिस ना हो तब जो बनेगा एंडोस्पर्म क्या बनेगा, फ्री न्यूक्लियर। माने इस कॉन्सेप्ट को यहां लगा देना कि पैन में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बट सेल सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, क्या बन गया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जब पैन में न्यूक्लियस डिवाइड होते ही सेल भी डिवाइड हो जाए तो क्या हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह से नॉर्मली एक सीड के अंदर दो एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते, या तो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म या होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा एक्सेप्शन जिसमें दोनों पाए जाते हैं, नाम है कोकस नूसीफेरा, कोकोनट का साइंटिफिक नेम है ये। तो कोकोनट के अंदर आपको दोनों एंडोस्पर्म मिलता है, और ये एक्सेप्शन है इसका भाई। कोकोनट में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, जिसको आप कर्नल कहते हो, वो व्हाइट वाला पार्ट जिस खाते हो आप, वो आपका क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जबकि जो इसका पानी होता है, वाटर लिक्विड होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यानी कि आप जो नारियल लेते हो उसमें दोनों एंडोस्पर्म पाए जा रहे हैं। नॉर्मली एक सीड के पास
एक ही होता है, इसके बाद दोनों पाए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। भैया एक तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, कर दे पा रहा हूँ, वीडियो चल रही है ना। हाँ कर दे। देखो हमने कहा था एक ट्रिपल फ्यूजन और एक होता सिंगामी, याद है? क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके बहुत सी काम का सी बेसी में आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन दोनों के अंदर कौन सा फिनोमेना है जो एक्स्ट्रा हुआ है? ट्रिपल फर्टिलाइजेशन ये हुआ ना, ये थोड़ी हुआ है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताना है इसका बताओगे तुम? अबे तो पूरा ब्रह्मांड में चलता है, इसका बताओ, जो एक्स्ट्रा हुआ है उसका बताया जाएगा ना, एक्स्ट्रा कौन सा हुआ है, ये वाला। तो सर इसका सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन का ये होता है कि इससे एंडोस्पर्म बन जाता है। क्या बनता है? क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन से जो बनेगा उसी का काम बताओगे, बनता है पेन, पेन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, जिससे आगे सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट मिल जाता है अपने ग्रोथ के ग्रोथ के टाइम। तो सिग्निफिकेंस है क्या बोलोगे? अगर आया इसमें, अगर लाइन लिखना, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म इन द लेटर स्टेजेस, ये इसका सिग्निफिकेंस है।